नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्टडी टुगेदर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि जॉब और करियर के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका टोटल 1021 मतलब कि 1021 सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन एंड सर्वेयर वैकेंसीज है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है 1 जून से, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 जून, और जो दोस्तों लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन है वो है 20 जून मतलब कि 20 जून, और जो डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन है वो है 8 और 9 जुलाई। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 8 और 9 जुलाई होगा इस वैकेंसी का। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वैकेंसी कितना है। तो हमारा वैकेंसी है टोटल सब इंजीनियर पोस्ट का 953 वैकेंसी मतलब कि 953 वैकेंसी, और ड्राफ्ट्समैन का 47 वैकेंसी, और जो सर्वेयर है उसका 21 वैकेंसी। तो हमारा कुल मिला के 1021 वैकेंसी है। तो दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं कि पूरा जो वैकेंसी है वो किस किस भाग में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, सब इंजीनियर का सिविल का जो पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग का वो है 661 पोस्ट। उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट है वैकेंसी का वो है 128 पोस्ट। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन का है 2 पोस्ट। असिस्टेंट सब इंजीनियर एग्रीकल्चर में आपका 18 पोस्ट है। सब इंजीनियर इन्वेस्टिगेटर क्वांटिटी सर्वेयर में आपका 1 पोस्ट है। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपका 72 पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन में आपका 47 पोस्ट है। 47 पोस्ट सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 14 पोस्ट है। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज में 24 पोस्ट है। मिनरल सर्वेयर में आपका 4 पोस्ट है, और ट्रेकर में 4 पोस्ट है। दोस्तों, सर्वेयर में 21 पोस्ट है। सब इंजीनियर असिस्टेंट सब इंजीनियर सिविल में आपका 3 पोस्ट है, और सब इंजीनियर मैकेनिकल में आपका 22 पोस्ट है। तो ये रहा दोस्तों आपका पोस्ट का बंटवारा। अब हम देखते हैं कि पे स्केल कितना है। तो दोस्तों, जो इंजीनियरिंग लेवल का पे स्केल है वो है 9300 से लेकर 34800 रुपीस, और आपको ग्रेड पे जो मिलेगा वो है 3200 रुपीस। और दोस्तों, सब इंजीनियर का छोड़ के जो पोस्ट है उसका पे स्केल है 5200 से लेकर 20200 तक, और ग्रेड पे है 2100 रुपीस और 2400 और 2800 रुपीस। ठीक है दोस्तों, अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे। तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सब इंजीनियर का है वो है, आप यहाँ पे डिग्री कोर्स भी कर सकते हो मतलब कि बीटेक और बीई, और डिप्लोमा का भी होगा। और जो असिस्टेंट सब इंजीनियर है वो डिप्लोमा करेगा 3 ईयर का, और जो असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन है उसको आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल में करना होगा, और जो सर्वेयर है वो ही आईटीआई करना होगा उसको। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट के बारे में। तो ये जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2017 का मुताबिक होगा, और मिनिमम एज जो कि मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका मिनिमम एज होगा 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज 40 इयर्स, और जो अदर्स स्टेट से बिलोंग करेंगे उसका मिनिमम एज होगा 21 इयर्स और मैक्सिमम एज होगा आपका 28 इयर्स। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक होगा, मतलब कि ओबीसी का 3 ईयर्स का मिलेगा रिलैक्सेशन, और एससी एसटी का 5 ईयर का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, कि एप्लीकेशन फ़ीस हमारा क्या है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 500 रुपया, और एससी एसटी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 250 रुपया, और कैंडिडेट्स को 70 रुपया ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा वो होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हमारा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने का सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप www.vyapam.nic.in पे जाकर, और दोस्तों आप www.mponline.gov.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हो।
और दोस्तों याद रखिए कि आपका एप्लीकेशन करने का जो डेट है वो 1 जून से लेकर 15 जून तक है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।